दोजन के बाद एक तरह का बड़ा प्रेशर था मेरे ऊपर इस तरह का कि सोशल फिल्म थी बहुत ज़्यादा, बनारस का बैकग्राउंड था, कहानियाँ बहुत सारी थी मेरे पास, लेकिन उन कहानियों को बनाने की बहुत सारी वजहें नहीं थी मेरे पास। अलिफ को बनाने के पीछे सबसे बड़ा मकसद भी था कि मेरे लिए एक था कि चूँकि एक फिल्म उस कैटेगरी में आई थी, अप्रिशिएट हुई थी, और जिस तरह का बजट में मैं काम करता हूँ, हमारी टीम काम करती है, उसके लिए ये बड़ा ज़रूरी था कि हम एक सेंसेबल टॉपिक चुने, एक कुछ अवेयरनेस की बातें कहें, जैसा जो दोजख की तरह की बात थी। तो मुश्किल था, फैसला बहुत लगता था कि क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन फाइनली सारी टीम के साथ जब बैठे हम लोग डिस्कशन हुए लगातार, तो तय यही हुआ कि अलिफ की कहानी बनी। अलिफ की कहानी में एक तरह की खास बात है कि वो उसमें उसका चश्मा, उसको देखने का नज़रिया जो है बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है, बहुत सारी सच्चाइयों को सामने लाती हैं, लेकिन फिर भी उस कहानी को आप जब देखते हैं पर्दे पे या उसको सुनेंगे देखेंगे, तो उसमें आप कहीं ना कहीं हर किसी के लिए वो एक कनेक्ट का जरिया है। तो अलिफ को चुनने का मकसद सिर्फ ये था कि हम, मैं चूंकि व्यक्तिगत तौर पर हमेशा मानना रहा है कि कहानियां, कई बार कहानियां फिल्में ये समाज के लिए हीरो के तरह होते हैं, कम्युनिटी के लिए, समाज के लिए, तो यही मकसद था बेसिकली कि उस कहानी में इस तरह का पोटेंशियल था जो मुझे लगता था, और मैंने इससे पहले कई लोगों को सुनाया भी था कहानी, मेरे दोस्त हैं जो अलग लोग हैं, जो अननोन लोग हैं, जो फिल्म दुनिया से नहीं है, उन कहानियाँ सुनाई थी अलिफ की, ताकि ये फीडबैक मिल सके कि किस तरह के ये सिनेमा क्या हम जो बनाने जा रहे हैं वो लोगों को समझ आएगा। फाइनली लोगों ने, ज़्यादातर लोगों ने इमोशनल कहा, किसी ने अलग अलग कमेंट्स दिए, तो फाइनली ये लॉक हुआ कि हम अलिफ को बनाएंगे। की लोकेशंस जो बहुत सारी थी, बहुत ही लाइव लोकेशंस थी, बहुत ही आउटडोर अच्छा खासा था, और बनारस बहुत क्राउडेड जगह है, तो बेसिक जो एक मेजर प्रॉब्लम आ रही थी हमारे पास कि जहाँ भी हम जाते थे वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग इकट्ठा हो जाते थे, तो क्राउड कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता था कई बार, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता था, और शॉर्ट पे शॉर्ट, लेकिन शॉर्ट ओके नहीं हो पाते थे क्योंकि लोग कोई बीच में घुस गया, कोई कहीं से आ गया। तो मेरे दोस्त जो इस फिल्म के क्रिएटिव प्रोड्यूसर भी हमें छावड़ा, उन्होंने एक नया रास्ता निकाला, वो ये करते थे सबसे पहले कि वो कैमरा लेके वो क्राउड के सामने इस तरह जाते थे कि शूटिंग कहीं और होने वाली है, वो उधर से जाके और धीरे से वापस कहीं से छुपते छुपाते कैमरामैन को भेज देते, हम भेज देते थे शूटिंग करने के लिए, तो इधर शूटिंग होती थी, पब्लिक समझती थी कि अब अभी अभी यहाँ पर शूटिंग होगी, तो डॉस देना एक तरह का कहा जाए, डॉस दे के जो फिल्मी हथकंडे हैं वो हमें अपनाने पड़े। सबसे मुश्किल काम इस फिल्म का मुझे मेरे एज ए डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर, एज ए राइटर, मुझे जो लगता है वो ये लगा कि इस फिल्म में बच्चों की जो कास्टिंग थी, मैंने करीब 300-400 बच्चों से मिला, मैं दिल्ली में मिला, लखनऊ मिला, बनारस मिला, पहले तो मुझे एक कास्टिंग करनी थी अली की, जो एक सिंसियर लड़का हो, जो मदरसे के बैकग्राउंड को से परिचित हो, जिसकी चाल ढाल रवैया, और ऑनेस्टली हमने इस पूरे अभियान में, इस पूरी चीज़ में, इस कास्टिंग में इस बात पे बहुत फोकस रखा था कि वो लड़का मुस्लिम हो, ताकि वो ज़्यादा रिचुअल से, ज़्यादा मदरसे से परिचित हो। बहुत सारे ढूंढ के बाद हमको ये मुंबई में ही हमको मिला, मोहम्मद सऊद मिला हमें, कई सारी फिल्मों में कर चुका, फिल्में तो ज़्यादा नहीं की थी उसने, लेकिन सीरियल्स वगैरह में काफ़ी काम कर चुका। अब दूसरी कास्टिंग थी अली के दोस्त की, जो उसका बहुत मददगार है, जिसके बहुत ही मेन रोल निभाता है अली की ज़िंदगी में, शकील नाम है उसका, एक फ़नी लड़का जो 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 मस्ती खोर है, जो कुर्ता नहीं पहनता, जो लुंगी पहने घूमता रहता है। शकील के लिए ईशान की कास्टिंग करी हमने, ईशान सत्यमेव जयते, इसके अलावा कई सारे उसमें कैंपेन में, कई सारे प्रोडक्ट कैंपेन में काम कर चुका था। फिल्म उसके लिए पहली थी, वो भी थोड़ा डरा हुआ था, उसको लगता था किस तरह से करेंगे क्या करेंगे, लेकिन जब हमने वर्कशॉप करनी शुरू की, क्योंकि पहले मैंने शुरुआत की उसके घर से, उसके घर जाके वर्कशॉप करता था, एक डायलॉग याद कराना, वो सारी चीज़ें करना, मैनरिज्म समझाना, सऊद के साथ थोड़ा सा आसान रहा ये करना, क्योंकि सऊद का बैकग्राउंड वही था, वो मूलतः अहमदाबाद का रहने वाला है, तो अहमदाबाद का होने की वजह से मुस्लिम बैकग्राउंड था उसका,
तो इस वजह से उसके लिए थोड़ा आसान था, लेकिन ईशान के लिए मुश्किल था। ईशान को मेहनत ज्यादा करनी पड़ी हर लेवल पे कैरेक्टर के साथ जेल करने के लिए। लेकिन जिस खूबसूरती से मुझे हैरानी इस बात की हुई, जब हम सेट पे पहुंचे तो ईशान ज्यादा प्रिपेयर था, उसकी एक्ट को लेके, उसकी चीज़ों को लेके उसकी प्रिपरेशन इतनी ज्यादा थी कि एज एन आर्टिस्ट उसने जो दिया वो एज ए डायरेक्टर मेरे लिए बड़ा शॉकिंग रहा, बड़ा खूबसूरत रहा कि वाह जो हमने समझाया उससे कहीं ज्यादा चीजें निकल के आई। मेरे पास बहुत ज्यादा मतलब ऑप्शन नहीं था उस तरह का, क्योंकि क्योंकि जिस तरह की चीजें चल रही थी लास्ट मिनट में चीजें चेंज हो जा रही थी, और जिस तरह के इस तरह के सिनेमा बनाने में जिस तरह की प्रॉब्लम होती है वो सारी बातें जो है वो बहुत निकल के सामने आ रही थी। इसलिए नीलिमा जी की कास्टिंग मेरे जो दोस्त हैं जो फिल्म के क्रेडिट प्रोड्यूसर हैं अमित छाबड़ा, उन्होंने मुझे सुझाव दिया था कि हम नीलिमा जी के साथ काम करें, वो बेहतरीन अदाकारा हैं, बेहतरीन इंसान हैं, तो उनके साथ हम कुछ बेहतर कर सकते हैं। फाइनली हमने नीलिमा जी को अप्रोच किया और उनके घर पहुँचे, गाने नरेशन करें। नरेशन के बाद उन्होंने बिना किसी शर्त बहुत ही मोहब्बत के साथ उन्होंने इस रोल को एक्सेप्ट किया। भावना पानी भी हमारे साथ, जिन्होंने अली की माँ का किरदार निभाया था, उनकी कास्टिंग में नीलिमा जी का ज्यादा योगदान था, क्योंकि नीलिमा जी के साथ भावना काफी क्लोज है, काम भी कर चुकी थी। जो अली की माँ का किरदार है, बहुत बड़ा किरदार नहीं लेकिन एक खूबसूरत किरदार है, एक इम्पॉर्टेंट किरदार है, तो भावना के साथ में मिला, उनके साथ भी ये अच्छा लगा, उनके साथ भी उनके घर गया मैं, उनको कहानी सुनाई, उन्होंने दोजख के बारे में सुना था, देखा था, तो इस वजह से उन्होंने जो है रोल को एक्सेप्ट किया और उन्होंने बड़ी खूबसूरती से ये रोल निभाया। दानिश के साथ क्या, दानिश मेरे पुराने दोस्त भी हैं, उनके साथ दिल्ली में मुलाकातें थी मेरी, पहले जब मैं पत्रकार कर रहा था दिल्ली में था, तो दानिश को मैंने ये कहानी सुनाई, दानिश को अच्छा लगा, और दानिश स्टेज के बड़े आर्टिस्ट हैं, उन्होंने काफ़ी काम किया है, तो मुझे लग रहा था जिस तरह का किरदार मुझे दिख रहा था हकीम रजा का, उसमें मुझे एक बड़ा साइलेंट सा आदमी जिसके चेहरे पर थोड़ी दाढ़ी हो, जो बड़ा खोया खोया सा रहता हो, थोड़ा डरा डरा सा रहता हो, ऐसा किरदार मुझे चाहिए था, जो कि दानिश के अंदर वो परफेक्शन था। जमाल का किरदार है, जमाल बड़ा मदरसे का, एक मदरसे का मौलवी का किरदार है जमाल का। जमाल की कास्टिंग में भी हमने तीन चार नाम देखे किस तरह से हो, लेकिन फाइनली आदित्य ओम, जो कि साउथ में काफ़ी काम कर चुके हैं और हिंदी फिल्मों के भी ठीक ठाक अच्छा नाम है उनका, कई फिल्म उन्होंने डायरेक्ट किए हैं, प्रोड्यूस किए हैं, वो मेरे दोस्त भी हैं, तो मैंने उनको जब ये कहानी सुनाई थी तो उन्होंने पहली बार में उन्होंने कहा था कि यार ये रोल जो है ना वो मैं करना चाहूँगा, और उन्होंने अपनी आवाज़ के जरिए और अपनी दूसरी चीज़ों के जरिए उन्होंने भी बड़े वर्कशॉप किया, क्योंकि हम जिस तरह के टिपिकल बनारस के मोहल्ले की बात कर रहे थे उसमें हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि हम जो दिखा रहे हैं लोग उससे रिलेट करें, लोग उसको समझ पाए कि हाँ ये वाकई में बनारसी कहानी है। तो आदित्य जी के साथ भी था कि वो पहले आ गए शूटिंग में, तो लगातार हम वहाँ पे भी बनारस में वर्कशॉप करते रहे उनके साथ कि कैसे करें, क्या करें, किस तरह से करना चाहिए, क्या हम किस तरह की पगड़ी बांधें। एक किरदार और है, टीचर का किरदार है उसमें, जो कि बड़ा अहम किरदार है, गौरीशंकर जी ने निभाया है। गौरीशंकर जी भी काफ़ी सारी फिल्में कर चुके हैं, और जिस तरह का फिजिक था और जिस तरह का टीचर का रोल था वो बहुत ही मैच कर रहा था, एक्सेंट वगैरह उनकी काफ़ी, चूँकि वो रहने वाले यूपी साइड के हैं तो वो बहुत चीज़ें थी उनके लिए भी, ये बड़ा सुटेबल रहा कि उन्होंने उस रोल को किया। कास्टिंग में सबसे इंटरेस्टिंग कास्टिंग शमी की रही, शमी के लिए सिमाला प्रसाद फाइनल हुई, जो कि IPS ऑफिसर हैं और इस वक्त मध्य प्रदेश पुलिस में के लिए काम कर रहे हैं, पुलिस अफसर हैं वो। मैं उनसे दिल्ली में मिला था, उनकी माँ एक लेखिका हैं मेरुनिसा परवेज़ जी, और चूंकि लिखने से पढ़ने से मेरा काफ़ी नाता रहा है, तो उपन्यास पब्लिश हो चुके हैं, फिल्म ऑलमोस्ट चीज़ें लॉक हो चुकी थी, और मैं शम्मी की खोज कर रहा था। मुझे लगता था कि शम्मी का कैरेक्टर जिस तरह की लड़की थी, वो एक लड़की जो थोड़ी शायरी करती है, थोड़ी सिंसियर है, इमोशनल है बहुत ज़्यादा, तो मैं जब मिला वहाँ पे उनकी माता जी से मिला, पहले बातचीत शुरू हुई, तो मुझे मेरी नज़र बड़ी अटक सी गई, मुझे लगा कहीं ना कहीं कि चूंकि उनका थिएटर में इंटरेस्ट है, उनकी माँ का भी बैकग्राउंड काफ़ी कुछ रहा इस तरह का, तो फिर मुझे इस वजह से मैंने उनसे कहा कि अगर आप ये रोल करें तो मुझे लगता है शायद कुछ अच्छा हो सकता है। और जिस तरह की ये फिल्म थी कि हम एक सोशल कॉज के लिए फिल्म बना रहे थे, एक मुद्दा था, तो फिर उनको मुझे कन्विंस करना पड़ा रोल के लिए सही तरीके से कि हाँ भाई ये कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो उन्होंने भी उसके लिए काफ़ी मेहनत की, और उनके लिए उनके साथ हमने काफ़ी वर्कशॉप भी की, बड़ी इंटेंस वर्कशॉप रही जिसमें उनको
मैनरिज्म चलना, सारी चीज़ें करना, क्योंकि बीइंग अ पुलिस ऑफिसर थोड़ा कई बार मुश्किल होता है, आप किस तरह की नौकरी कर रहे हैं उसके बाद सीधे आप बहुत अलग तरह का किरदार निभाएं। और मेरे दोस्त और मेरे साथी प्रोड्यूसर जो हैं इस फिल्म के, पवन तिवारी जी, उन्होंने फिल्म में एक्टिंग भी की है, एलआई इंस्पेक्टर का रोल किया है, उनके पारिवारिक रिश्ते हैं बच्चन परिवार से। जया जी को उन्होंने कन्विंस किया कि वो अपनी आवाज़ दें तो हम शायद अपनी बातें और बेहतर तरीके से कह पाएंगे, हम अलग तरीके से ये फिल्म प्रेजेंट कर सकेंगे। जया जी ने अपनी आवाज़ दी और उन्होंने फिल्म देखी, उनको फिल्म पसंद आई। इंडिपेंडेंट फिल्मों के बड़े प्रोड्यूसर हैं शिलादित्य बोरा, उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया, मेरी पहली फिल्म उन्होंने रिलीज़ की थी, तो फाइनली जब उन्होंने फिल्म देखी उन्होंने कहा नहीं यार हम इसके साथ काम करेंगे, कुछ नई तरह की पैकेजिंग करेंगे, नई तरह की मार्केटिंग करेंगे, सोशल मीडिया पे जाएंगे अच्छे तरीके से, जिस तरह के प्लेटफॉर्म पे फिल्म को एक विंडो अच्छी चाहिए थी वो विंडो तैयार करने में उनका बड़ा योगदान था। और फाइनली जो है 3 फरवरी को आप अपने नज़दीकी सिनेमा घरों में अलिफ को देख पाएंगे।